जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। कहना चाह रहे हैं किस तरह की शिकायतें सीएम दफ्तर में किया है, छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी। महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर की नहीं है, आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जाते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है, श्रद्धालुओं के दुख की बात है, और उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। बात सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं है, बात सिर्फ चर्च या मस्जिद का नहीं है, ये सभी प्रार्थना घरों का है। निर्णय सबके लिए एक होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय होता है, अगर सबको पालन करना है तो उसमें हमारे मंदिरों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और पूरे देश में अब यही हो रहा है। आपने काला दिन कहा है आज, आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, लोग हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन में मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन।